तो आज जो है हम लोग अपने थीम का जो है फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं ब्लॉगर में, ये आपको दिखाने वाला हूँ। तो ब्लॉगर में थीम चेंज करने के अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा, लेकिन जो फॉन्ट होते हैं ना, जैसे ये फॉन्ट, तो ये सब ना यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और अच्छे आप कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कुछ अपडेट्स जो इतनी वीडियो भद में आ रही है उसके लिए मैं बता दूं कि मेरे कुछ कॉलेज के वर्क्स चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और प्रेजेंटेशन वगैरह अभी हो रही है कॉलेज में, तो डिले हो रहा है काम, नहीं कर सकता हूँ मैं वीडियो इतने सारे, क्योंकि ऑफकोर्स प्रोजेक्ट्स में भी ध्यान देने और बना के भी दे रहे हैं कॉलेज में। तो लेकिन जो लोग न्यूज एंड ट्रिक के साथ जुड़ चुके हैं उन लोग का एक अपडेट है, आखिरी में है, मैं उन लोग को आखिरी में बताऊंगा। तो पहले आप लोग ये फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हो, मैं टाइम स्टैम्प डाल रहा हूँ ताकि आप उस टाइम में देख सकें वीडियो। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको खोलना है कि गूगल फॉन्ट्स खोलना है ताकि आप एक फॉन्ट सिलेक्ट कर सको, ऑफकोर्स आपके जो ब्लॉगर में आपको रखना है। तो गूगल फॉन्ट्स आपको खोलना है, आपको यहाँ पर बहुत सारे लिटरली कितने हैं 1 to 8 4 फॉन्ट्स मिल जाएंगे आपको सिलेक्ट करना है। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। और कोई भी लिटरली बताऊँ आपको, जो मन में है, आपको जो सेट करना है आप वो कर सकते हैं, ठीक है? और बिल्कुल आपके ऊपर है आपको कौन सा फॉन्ट सिलेक्ट करना है, मैं बस आपको बताऊंगा कि वो अप्लाई कैसे करना है। तो लेट सपोज मेरे को जो है हेडिंग के लिए वो ये पसंद आया, ठीक है? तो मैंने इसको क्लिक किया, इसका नाम है बार्लो, ठीक है, कंडेंस्ड, ये फॉन्ट का नाम है। अब मेरे को इसमें से भी यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो आप कौन सा आपको पसंद आ रहा है। तो ये ऑफ कोर्स ये मेरे इसके लिए है, ठीक है? तो ये आपको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ और इसको इंस्पेक्ट मोड में डाल देता हूँ। और रिस्पॉन्स तो मेरे को जो है पहले अपने ब्लॉग के होम पेज के टाइटल्स के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँ ना, आपको पहले बता दूँ, तो मेरे को जो पसंद आ रहा है वो है हल्का इटैलिक और 400 रेगुलर, तो मैं इस स्टाइल को सिलेक्ट किया, ठीक है? अब मैं इसको लूंगा, लिंक है तो मैं इसको CSS, अब देखिए इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है? अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट, ये जूम क्यों नहीं हो रहा, कंट्रोल प्लस से नहीं हो रहा, बट ठीक है ठीक है, बैटरी लो फोन की कुछ। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंपोर्ट का यूज कर सकते हैं सिंपली CSS में डाल के, और या तो आप लिंक को यूज कर सकते हैं, इसको सिर्फ हेड के अंदर डालना है, ठीक है? लेकिन ये ब्लॉगर में थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम लोग चलते हैं सिंपली इंपोर्ट वाले फंक्शन में। इंपोर्ट में आने के बाद आप देखो आपको यहां पर दिखेगा एक @style, ठीक है? ये आपको कोड दिखेगा। अब आपको क्या करना है, आपको इतने पार्ट को कॉपी करना है, स्टाइल टैग को छोड़ देना है जो स्टार्टिंग है और क्लोज, बीच के इंपोर्ट वाले कोड को आपको कॉपी करना है और सिंपली आना है अपने थीम के अंदर, और वहां पर आपको एडिट HTML में जाना है। एडिट HTML में आने के बाद आप देख सकते हैं ये आपको एक सी डेटा मिलेगा, ठीक है? जो कि जनरली होता है कि आप अपने फॉन्ट्स को यहीं से ही चेंज करते हैं, ठीक है? तो अब हमको इधर चेंजेस करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इधर आपको इंपोर्ट करना है अपना डेटा, ओके? तो आप इसको एंटर करें, देखिए ये लाइन कमेंट है, ठीक है, जो स्लैश स्टार और स्टार स्लैश से खत्म हो रही है, उसके बाद मेरा HTML चालू हो रहा है, ठीक है? देख सकते हैं, और इसके अंदर यहाँ पर फॉन्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ कुछ HTML, फिर बॉडी, ये सब दिए है। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये कमेंट्स के जस्ट नीचे थोड़ा सा ये लाइन गैप दिया, और यहाँ पर ये इंपोर्ट वाला जो URL है मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब मैं इसको सेव में क्लिक करूंगा ताकि ये जो फॉन्ट है ये आपके ब्लॉग में इंपोर्ट हो जाए, जब भी कोई यूजर आए और उसके पास ये फॉन्ट ना हो तब वो रिडायरेक्ट होगा आपके उस वाले फॉन्ट पे, ठीक है? और अब हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं इसके लिए, थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करेंगे और आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, कि ये आपको यूज करना है। तो इतने पार्ट को फॉन्ट फैमिली को ही मैं अभी आपको यूज करके दिखाता हूँ कि दिखने कैसे वाले। मैं इतने पार्ट को कॉपी कर रहा हूँ और इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू अभी आपको दिखाता हूँ कि दिखेगा कैसे। मैंने इंस्पेक्ट के एलिमेंट राइट क्लिक करके किया था, और फिर यहाँ पर ये होता है आपको किस पार्ट में इंस्पेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करने के लिए, और मैं इस पर ओवर किया अपने टाइटल पे। टाइटल पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीजें मिल जाएंगी, कलर वैसे क्या है, और ये देखिए ये रहा उसका फॉन्ट साइज और फैमिली। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है,
ठीक है, तो मेरे को इधर डालना है अपने अभी वाला जो फॉन्ट लिया उसको, तो देख सकते हैं कैसे दोनों में अंतर आएगा। ठीक है, और इसमें भी आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे इधर देखिए ये एक साथ है, ठीक है। अब ये फॉन्ट वेट इसने सिलेक्ट करके रखा है 700 पिक्सल्स, ठीक है, और जो फॉन्ट साइज है वो 36 है। ठीक है, तो आपको ये सब खुद से चेंज करना आना चाहिए, नहीं तो इन केस आपको नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं बताऊं, तो आप इसको सिर्फ एनेबल कीजिए और इसको एडिट करना है। ठीक है, अब ओपन सेंस रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ओपन सेंस के पहले हमको जो चाहिए, जो हमारा कस्टम हो, ठीक है, वो होगा ये वाला, ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है ये हमको चाहिए। ठीक है, तो मैं कॉमा के जस्ट पहले ही ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे अगर ये कोड निकल जाए, ठीक है, इन सच केस कि अगर ये वाला फॉन्ट में आपको अभी अंतर दिख जाएगा, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, एक सेकेंड, कंट्रोल एक्स और फिर एंटर। ठीक है, तो अभी जो है ओपन सेंस है, और जैसे इसको पेस्ट करके एंटर करूंगा तो ये फॉन्ट जो है दूसरे में चेंज हो जाएगा। ये अभी लोड हो चुका है इसलिए रुको, इसको चेंज करते हैं। इसको कॉपी किया और एक बार पेस्ट किया तो ये चेंज हो चुका है। ठीक है, बस मेरे को इसकी जो क्या बोल सकते हैं, मैं इसको साइज बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। तो फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ेगा 36 पिक्सल्स में, ठीक है, और इसका जो फॉन्ट वेट है वो बढ़ेगा, फॉन्ट FONT weight, फॉन्ट वेट शुड बी 700। ठीक है, और आप चाहें तो इसकी साइज जो है आप इसको और इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा जो कि होता है 3REM, ठीक है, 3REM। 3REM क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूं। REM मतलब जब आप फोन में देखेंगे, पिक्सल्स क्या होता है, अगर आप थोड़े से कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, तो मैं आपको ये आसानी से समझा सकता हूँ। जब आप 36 पिक्सल सेट करते हैं, ठीक है, और आप मान लीजिए तब आपकी जो स्क्रीन साइज है वो फोन में देखेंगे और लैपटॉप में देखेंगे तो वो 36 पिक्सल दिखेगा, लेकिन जैसे REM मतलब ये होते हैं इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब मान लो अगर कोई आपका ब्राउजर का जो है सेटिंग लार्ज में कर दिया, यानी उसको सिर्फ लार्ज टेक्स्ट पसंद है, ठीक है, तब क्या होगा, 36 पिक्सल्स जो है ना वो 36 पिक्सल्स टाइप का ही टेक्स्ट शो करेगा, वो आपके टेक्स्ट को लार्ज नहीं करेगा उस केस में। ठीक है, अगर मैं डेमो के लिए प्रेफरेंस दिखा सकता हूँ ना, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, रुको। अगर मैं इसकी साइज देख लेता हूँ सर्च करके, मिल जाए, हाँ मिल गया। अब फॉन्ट साइज जो है अगर कोई ब्राउजर से लार्ज सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तब क्या हुआ, REM जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ये बढ़ गया REM, ठीक है, लेकिन 36 यहाँ पर पिक्सल होता, ठीक है, तब क्या होता कि ये बढ़ता नहीं, इन दैट केस REM नहीं होता तो, ठीक है, ये छोटा ही रहेगा। लेकिन जैसी 3REM, यानी ये हो गया एक तरीके से आपका 16, 32 एंड 48, तो ये हो गया 48 पिक्सल्स, ठीक है, 48 पिक्सल्स है, और अगर इसको हम लोग किसी फोन वगैरह में देखे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा फोन में, विच इज ग्रेट। ठीक है, तो आपकी पहली आपको कैसे चेंज करना है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हमको चेंज क्या करना है, हमको करना है डॉट पोस्ट टाइटल ए। इस चीज को मैं कॉपी किया, टेम्पलेट में आके कंट्रोल एफ दबाया और वो सेम चीज मैंने पेस्ट करके एंटर की, तो मेरे को मिल गया यहां पर, देखिए ये सर्च हो गया यहां पर, फॉन्ट जो है इसने सिलेक्टेड है जो कि है फीड डॉट टाइटल डॉट फॉन्ट। ठीक है, अब ये फीड डॉट टाइटल डॉट फॉन्ट जो है ये पहले से सिलेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं इसको सर्च करूं इधर ही, तो ये यहां पर देखिए ये मेरे को वेरिएबल क्रिएट करके रखा है इसने। ठीक है, तो यहां पर देखिए डिफॉल्ट है इधर जो कि ओपन सेंस है। ठीक है, लेकिन हमने जो अभी डाउनलोड किया है उसका नाम है ये, तो मैं इसको कॉपी किया और ये ओपन सेंस के जो वेरिएबल हैं
इस फॉन्ट को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, और इसकी साइज इसने 36 रखी है, बट चलिए 36 भी काफी है, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। याद करिए, अगर आपके पास वो नहीं होता तो आप सिर्फ वो जो फॉन्ट है, अगर आपके सामने में फीड डॉट नहीं लिखा हुआ इन दैट केस, वैसे लिखा ही होगा लेकिन नहीं लिखा इन दैट केस, तो आप सिंपली ये फॉन्ट फैमिली को कोड को उसके बदले रिप्लेस कर दीजिए वो फॉन्ट के बदले, ठीक है। और क्या क्या बढ़ाइएगा, आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है और फॉन्ट वेट बढ़ाना है, ठीक है, बस इतना सा काम करना है। और फिर जो है आप, मैं इसको रिस्पॉन्सिव कर देता हूँ, एक सेकेंड इसको रिस्पॉन्सिव कर दिया जाए पहले, और फिर चेक करते हैं कि ये क्या बढ़ा कि नहीं, ठीक। तो अभी आप देख सकते हैं ये चेंज नहीं हुआ है, तो इसको कारण देख लेते हैं पहले, पी डॉट टाइटल डॉट ए, तो ये अभी भी ओपन सेंस में ही है, ठीक है। और ये क्यों है ये अभी चेक कर लेते हैं, तो डिफॉल्ट में यही सिलेक्टेड है, ओपन सेंस यहां लिखा है, तो ऑफकोर्स गलती तो हुई है। अब चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। तो देखिए, फीड डॉट टाइटल डॉट फॉन्ट में डिफॉल्ट जो सेट है वो ये है, ठीक है, और उसकी वैल्यू 700 ये सब दी है, ठीक है। तो अब मैं इसको सेट करना चाहूंगा अपने इस वाले के हिसाब से, ठीक है। तो इसको मैं सेट करने के लिए क्या करूंगा, मैं पहले तो इस पार्ट को कॉपी करूंगा और इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, ये देखिए वैल्यू 36 पिक्सल वगैरह, इसको मैं यहां से ओपन सेंस को मिटा के ये कर दिया, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे, और अगर मैं इसको ऐसे सेट करूं तो वो जो जाना चाहिए, और रिफ्रेश, तो ऑफ कोर्स काम कर गया, ठीक है। तो अब इसकी फॉन्ट फैमिली वगैरह अगर हम लोग इसको देखें तो अब देखिए ये हो चुका है चेंज, ठीक है। अब आपको एक चीज और चेंज करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ऑफ कोर्स, तो वो क्या चीज है वो आपको दिखा देता हूं। तो आपको जो चेंज करना है अगला वो है 36 पिक्सल्स जो लिखा होगा, ठीक है, आपको उसको चेंज कर लेना है, किसमें, 3 नहीं तो 2.5 REM, एंड हिट सेव। इतना सा काम आप और कर लीजिएगा। तो भाई वीडियो लंबी होगी ऑफ कोर्स, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अब देखिए अब आपका ब्लॉग कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑफ कोर्स आप जितना आरईएम छोटा रखेंगे उतना ये छोटा ही दिखेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ब्लॉक के अंदर का कैसे चेंज करना है ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये ब्लॉक के अंदर घुसा जिसमें कुछ नहीं था ऑफ कोर्स, तो मैं थोड़ा सा इस पे आता हूँ, और हिंदी के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट ठीक है। और पापा का फोन आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे आप अंदर के चीजों को कस्टमाइज करेंगे। वैसे और भी चीजें हैं जिनके फॉन्ट आपको बदलने हैं, वो भी अभी बताएंगे कैसे आपको ढूंढना है और उसको कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और इंस्पेक्ट करने के बाद जस्ट अ सेकेंड ना, तो इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहां पर देखिए और चीजें मिलेंगी, ठीक है। जैसे इसका फॉन्ट अलग है, ठीक है, इसका फॉन्ट है पोस्ट डॉट टाइटल के अंदर, ठीक है। तो अब आपको इसको भी सर्च करना है अपने ब्लॉगर के अंदर ही, पोस्ट डॉट टाइटल, एंड फिर एक और बार सर्च करिएगा, फिर और हाँ, तो देखिए पोस्ट डॉट टाइटल और दोनों एक ही थे वैसे, तो हम इसी फॉन्ट को और भी जगह सर्च करेंगे, जो कि हो गई ऑफ कोर्स 1 2 पोस्ट डॉट टाइटल डॉट फॉन्ट, तो ये तो चेंज होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये कौन सा है, लेकिन ये ओपन सेंस ही है। तो ये किसके अंदर आ रहा है, ये है बॉडी डॉट आइटम व्यू के अंदर, तो हम इस चीज को सर्च करेंगे, तो इसको हम लोग सर्च कर लेते हैं,
देखो तुम ये भी सीख पाओगे कि यार मैं कैसे एक एक चीज को कस्टमाइज कर रहा हूँ। भले वीडियो लंबी हो लेकिन ये तुम्हारे एक नॉलेज के लिए रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए, पोस्ट डॉट आइटम डैश व्यू के अंदर डॉट ब्लॉग डॉट पोस्ट टाइटल होगा, ठीक है। तो हमको पर्टिकुलरली उसी पे फोकस करना है। डॉट पोस्ट बॉडी है, ठीक है, और फिर डॉट पोस्ट बॉडी है, फिर ऐसे करके मैं सर्च करते जाऊंगा तो मेरे को वो मिलेगा, तो मिल गया, ठीक है। देखिए, बॉडी डॉट आइटम व्यू डॉट, ठीक है, ये पोस्ट टाइटल कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर मिला। अब इसके जस्ट आगे मेरे को मिलेगा पोस्ट डॉट टाइटल डॉट ए, ठीक है। अब यहां पर जो फॉन्ट है ये यूज हो रहा है आइटम डॉट टाइटल डॉट फॉन्ट में, तो हम इसको कॉपी करेंगे एंड जस्ट सर्च करेंगे, ठीक है, और फिर एक और बार सर्च करेंगे तो हमको एक वेरिएबल मिलेगा जो कि जिसका नेम यही होगा। अब हमको वही करना है जो हमने ऊपर में किया था। आप एक बार में ऐसे देखिए, यहाँ पर बहुत जगह पर वेरिएबल्स हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली वेरिएबल्स को भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार पहले एक जरिया बता रहा था कि और एक कैसे करते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल्स पे चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं। तो हमारा जो कोड है वो हमको भी मिला था, कहाँ पर है, वापस से सर्च कर लेते हैं, तो ये मिला, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन फॉन्ट है। तो आपके हर एक वेरिएबल में डिस्क्रिप्शन फॉन्ट होगा, ठीक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जो थीम बनाते हैं वो लोग जनरली एक पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप जो डिस्क्रिप्शन डिफॉल्ट वाला है ना, तो इसको आप क्या करना, अब आप इसको चेंज करना है किसमें, जो हम लोग डाउनलोड किए हैं, तो ये वाले थीम में हमको ये वाला ही डिस्क्रिप्शन लगाना है। तो हम इधर इसको पहले ये वाला लगा दिए फॉन्ट, ठीक है, और फिर इसमें हमको जो डिफॉल्ट था उसको चेंज करना है, या डिफॉल्ट को चेंज करने के लिए मैंने एक बताया था क्या करना है आपको, ये फॉन्ट फैमिली में जो ये है पार्ट को कॉपी कर लीजिएगा, और फिर जो अपना डिफॉल्ट है उसको आप सेमी तक था, क्योंकि बोल्ड एक प्रॉपर्टी होती है, तो सेव किया। और इधर भी एक चीज देखना, 48 पिक्सल्स था, तो अगर मैं ये वापस से ढूंढू तो वो 2REM, 48 पिक्सल्स जनरली बड़ा ही साइज है, तो अब मैं इसको 3REM ही लिखूंगा, ठीक है, पिक्सल से अच्छा है REM लिखना, और देन रिफ्रेश। तो देखिए चेंज हो चुका है, ठीक है, ब्लॉक टाइटल। और हिंदी के फॉन्ट्स जनरली अलग मिलेंगे, तो आप गूगल फॉन्ट्स में हिंदी के लिए भी सर्च कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज के लिए अलग से आपको अच्छे फॉन्ट्स मिल जाएंगे जो हिंदी में आपके अच्छे से कस्टमाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से था, और ये फॉन्ट चेंज हो चुके हैं, और जो हिंदी में होंगे ना वो टाइटल थोड़े से देखना अलग फॉन्ट्स में होंगे, वो सैन सेरिफ ही यूज कर रहे होंगे मोस्टली, क्योंकि अब वो डिपेंड करता है, बाद में देखेंगे उसको। अब देखते हैं कि आप एक बार में पूरे कंटेंट को कैसे चेंज करें। अब देखिए ये कंटेंट है, ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट किया, जैसे ये कंटेंट में होवर किया ना, तो आप एक चीज देखना, पोस्ट डॉट बॉडी डॉट कंटेनर, ठीक है, पोस्ट डॉट बॉडी डॉट कंटेनर, आपको यहां पर आपका जो फॉन्ट यूज हो रहा है वो आपको दिख जाएगा। तो बॉडी का जो फॉन्ट है वो है, देखिए बॉडी का फॉन्ट जो है वो है लॉरा एंड सेरिफ, ठीक है। तो ये फॉन्ट इसने यूज किया हुआ है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं अभी इसको इस फॉन्ट फैमिली में कन्वर्ट करके लाइव आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे दिखने वाला है। तो लेट्स, मैंने इसको चेंज किया, ये हिंदी है करके ज्यादा आपको कुछ दिखेगा नहीं, चलिए कुछ ऐसी पोस्ट और खोलते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हमको अंदर के टेक्स्ट को अब उसके फॉन्ट्स को बदलना है, ठीक है। तो मैं जस्ट इसमें होवर करके एक बार चेक करूंगा कि इसमें कौन सा फॉन्ट अवेलेबल है और वो कहाँ से फेच हो रहा है। तो आप देख सकते हैं पोस्ट डॉट बॉडी, ये एक टैग है जिसके अंदर से ये, नहीं, डॉट पोस्ट बॉडी, क्योंकि ये वाला एक्टिव है, ठीक है, अगर मैं इसको डीएक्टिवेट करूंगा, ओके, तो ये एक्टिवेटेड है वैसे,
ठीक है, तो लॉरा करके एक फॉन्ट है, ये एक्टिवेटेड है। अब मेरे को इसको दूसरा कस्टम में बनाना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए कुछ और फॉन्ट फैमिली देखते हैं। सो अगर मैं गूगल डॉट फॉन्ट्स के अंदर जाऊँ और एक अच्छा सा दूसरा फॉन्ट जो यूज़र के लिए ठीक हो, ये थोड़ा अच्छा लगा, मैं इसको देख लेते हैं और मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा। तो मैं सिंपली थोड़ा सा नीचे आऊँगा और मेरे को जो चाहिए वो है नॉर्मल रेगुलर, तो मैं इसको सिलेक्ट किया। इम्पोर्ट वाला चीज़ में आया, इम्पोर्ट वाले कोड को मैंने कॉपी किया और फिर हम लोग इम्पोर्ट को लिखे, यहाँ पर लिखे थे, इसके जस्ट नीचे मैं एक और इम्पोर्ट लगा दूंगा और फिर सेव। तो ये वाला जो है आ जाएगा नोटो प्लस सेंस, ठीक है। तो अब मेरे को इसको यूज करना है, तो मैं ये यूज करूंगा नोटो डॉट सेंस। और अभी मैं इसके बदले यहाँ पर ये पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और जो कि बिल्कुल अजीब दिख रहा है, अपने को भी पसंद नहीं आया। तो दूसरा चलते हैं, लेकिन इसमें भी आप यूज कर सकते हैं दूसरी फैमिली, ठीक है। आप इसको इटैलिक कर सकते हैं, दूसरी रेगुलर साइजेस भी हैं जो आप यूज कर सकते हैं, पर हमको ये पसंद नहीं आया। तो ये प्ले फेयर को यूज करके देखते हैं। प्ले फेयर का मैं रेगुलर यूज करना चाहूँगा, नहीं रेगुलर, ठीक है। तो मैं इसको यूज करना चाहूंगा, तो मैं इसको सिलेक्ट किया और अपने एडिट वाले में मैं गया और यहाँ पर प्ले फेयर दिख गया मेरे को। मैं इसको पहले यूज करके देखता हूँ कि ठीक दिखेगा कि नहीं। तो ये कुछ ठीक दिख रहा है, ठीक है। फोन में भी, फोन में थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि इसकी साइज थोड़ी सी छोटी है। मैं इसका साइज को 2REM कर देता हूँ, 2 ज्यादा हो गया, मैं इसको 1.25 REM करूंगा। अब ठीक दिख रहा है 1.25 REM, या आप चाहें तो कोई भी, आपकी मर्जी है ना। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप कैसे करने वाले हैं। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये ढूंढना है बॉडी डॉट आइटम डैश व्यू और उसमें पोस्ट डॉट बॉडी मिलेगी हमको। तो मैं इसी को सर्च कर लेता हूँ ताकि मेरे को जल्दी मिल जाए। मैं इसको कॉपी करूंगा, अपने टेम्पलेट में सर्च करूंगा, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे को मिल गया पोस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। और इधर नीचे है मार्जिन वगैरह, पोस्ट बॉडी सेपरेटर, नहीं ये भी नहीं है, आइटम अलाइन, ये सब भी नहीं है। तो मैं जल्दी से फॉन्ट वाला चीज़ ढूंढना है हमको, पोस्ट डॉट बॉडी डॉट, नहीं ये भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से यही है क्या, पोस्ट टाइटल, नहीं पोस्ट बॉडी ढूंढना है हमको, पोस्ट कंटेंट, पोस्ट बॉडी, तो मिल गया मेरे को। यहाँ पर देखिए सेम टू सेम लिखा है। तो अब यहाँ पर देखना है हमको कि हमारा जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर लिखा है फॉन्ट, सेम चीज है और यहाँ फॉन्ट दिया बॉडी डॉट टेक्स्ट डॉट फॉन्ट। मैं इसको कॉपी किया और इसको सर्च किया। अब ये मेरे को वेरिएबल के अंदर चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सर्च करते जाना है, ये नीचे ही सर्च करेगा फिलहाल। हाँ मिल गया वेरिएबल नेम, जिसका वेरिएबल का नाम है बॉडी डॉट टेक्स्ट डॉट फॉन्ट, ठीक है। और यहाँ पर हमको चेंज करना है कौन सा, प्ले फेयर में, ठीक है। मैं इसको कॉपी किया और प्ले फेयर मिलेगा मेरे को ये, इसको चेंज किया मैंने। और 20 पिक्सल्स के बदले हमने कितना यूज किया था, हमने यूज किया था 1.25 REM, तो 1.25 REM, है ना। और प्ले फेयर जो है उसको डिफॉल्ट में भी हमको कुछ चेंज करना है, तो डिफॉल्ट में हमको करना है दूसरा, क्योंकि ये प्ले फेयर प्लस डिस्प्ले, इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इसको मैं 30 कर दूँगा, सेव करूँगा और देखते हैं कि क्या चेंज हुआ है।
और उससे पहले आपको एक और चीज़ बोल दूँ, इसको हमने इंपोर्ट करना भूल गए थे, तो मैं इसको इंपोर्ट में क्लिक करूँगा ना, तो आप चाहें तो एक को रिमूव कर सकते हैं, तो मैं नोटों को रिमूव कर दिया, ठीक है। और इसको इंपोर्ट करना है, तो इसका इंपोर्ट कोड को मैं कॉपी करके सिंपली इसको इंपोर्ट करके रखूँगा, क्योंकि तो अभी तो आप गूगल में देख रहे हैं डायरेक्टली, इसलिए वो ठीक दिख रहा है, बट जो लोग के फ़ोन में कैच नहीं होगा तो उन लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो अब चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं हमने क्या अतलंगी मचाई है अपने ब्लॉग में। तो अब कुछ इस तरीके से ये ब्लॉग दिख रहा है, जिसका अभी हम लोग चेक करेंगे फॉन्ट तो कि चेंज हो चुका होगा। तो फॉन्ट हम लोग चेक करते हैं, तो देखिए प्ले फेयर में आ गया। तो आपका जो पसंद होगा आप वो फॉन्ट लगा सकते हैं, जो साइज में चाहें वो फॉन्ट लगा सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ, 1 REM मतलब होता है 16 pixels px, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 2 REM हो गया 32 pixels, लेकिन आपको बीच का चाहिए तो मैंने 1.25 लिया, ठीक है। REM का फायदा यही है कि ये फोन में जैसे जैसे छोटा करूंगा ना, तो देखो ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन जब पिक्सल्स होता है तो वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। उसको आप जब लार्ज कर दोगे, अभी जैसे आपको बताया था सेटिंग्स में है ना, इसको अब कोई लार्ज करके पढ़ रहा है, तो अब इसको वापस से मैं मीडियम कर दूंगा, तो अब देखो ये उस हिसाब से सेट हो जाएगा, है ना, ये मीडियम है। तो ये था मेरा वीडियो, कैसे आप अपने फॉन्ट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। होप करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अपनी जर्नी बनाएं ब्लॉगिंग की। और मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। तो अब बात करते हैं जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा था, ठीक है, गूगल फॉर्म आपको दिया गया था कि न्यूज़ एंड ट्रिक। वैसे ये वाली वीडियो एंड हो गई है ना, जो लोग अगर देखना चाहें देख सकते हैं। तो एक आप लोगों ने फॉर्म भरा था, तो आप लोग को पता होगा, जिन लोग सब डोमेन लिए हैं ऑफ कोर्स, उन लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक है। तो यहाँ 22 रेस्पॉन्सेज आए थे बहुत लोगों के, और मैं ये हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो रेस्पॉन्सेज आए थे, उसके बाद क्या हुआ कि अब मैं थोड़ा सा उधर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन आप में से 3-4 लोगों को मैंने एड कोड भेज चुका था media.net का बना के, तो आप लोग की अर्निंग शायद चालू हो चुकी है। देख सकते हो यहाँ पर 0.7 डॉलर आप ही लोग का है, मैंने इस ब्लॉग में तो ध्यान भी नहीं दिया, और ये सिर्फ media.net के लिए ही था, media.net जो newsandtrick.in वाले डोमेन के लिए था। और साथ ही साथ अब आप लोग इतनी मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि देख सकते हो आप लोग का ही 0.7 डॉलर 2 लोग 3 लोग का मिला के नहीं हुआ है, एक्चुअली ये शायद एक ही जन का है ना, बट चालू हो गया है, ठीक है। और मैं भी आज से अपने ब्लॉग पे ध्यान देना चालू करूंगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर आप लोग कमेंट भी कर रहे हो, ओके थैंक यू सो मच, बट मैं इसको ध्यान देना बंद कर दिया था, तो मैं भी इसमें भी ध्यान दूंगा, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है यार, इसलिए थोड़ा सा। लेकिन हाँ, आप लोग जो लोग जुड़ चुके हो, जितने लोग उतने लोग पर जरूर से मैं फोकस करूंगा, है ना। आप लोग की मतलब आप लोग के ब्लॉग को ऑफ कोर्स मैं अच्छी जगह लेके आऊंगा। आप लोग ये मत सोचना कि मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं सबके ब्लॉग देखता रहता हूँ, कैसे कौन किसने क्या क्या बना लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ब्लॉग पे ध्यान नहीं है तो आपको पैसा वैसा नहीं देने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग ब्लॉगिंग कर रहे हो तो देख सकते हो यहाँ भी media.net की एड है ना, तो यहाँ भी लगी है मेरे वेबसाइट पे भी, मैं इसको छोड़ ही दिया था, बट आज से मैं भी आज से अपना 100 days ऑफ ब्लॉग ऑन न्यूज एंड ट्रिक चालू कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी कोई वीडियो सीरीज नहीं है, लेकिन मैं आज से अपना 100 days इसमें स्पेंड करने वाला हूँ न्यूज एंड ट्रिक डोमेन पे, क्योंकि क्या है यार, आप लोग को मैंने होप दी है, और मैं पीछे हट जाऊंगा इस वाले डोमेन पे, तो क्योंकि मैंने सिर्फ यही डोमेन रिवील किया अभी तक अपना, बाकी डोमेन्स तो रिवील भी नहीं किए हैं और कर भी नहीं सकते, किस कारण के कारण टीम है यार वो भी वीडियो देख रहे होंगे, बोलेंगे बार बार हमारा नाम क्यों था, तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ रीजन थे इसलिए, लेकिन आज से मैं इस डोमेन पे काम करने बोलूंगा टीम को, ठीक है। हम लोग भी इस पे भी ग्रो करेंगे, आप लोग के डोमेन को भी ग्रो करेंगे, और आपकी media.net से अर्निंग करके निकाल के आप लोग को जरूर से मिलेगी, ठीक है। तो
तो ये आप लोग के लिए वीडियो था कि क्या आप लोग पे ध्यान नहीं दे रहा होगा, ऐसा करके कुछ नहीं है, मैं सबसे कांटेक्ट करूँगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहना था आप लोग से कि फोकस रहिए, अपना ब्लॉग को आप कंटिन्यू कीजिए। आप जिनको एड कोड मिला है और नहीं मिला है उनको मैं जल्द से जल्द भेज दूंगा उनकी वेबसाइट रिव्यू करके। जिन लोग को मैं दिया हूँ उन लोग की वेबसाइट मैंने देखी है तभी उनको दिया है, ठीक है। तो बस आप जो लोग देख रहे हैं आपके लिए यही मैसेज था, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, ठीक है। और कुछ भी हो आप इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और बस फिर इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।